देखना पड़ता है यार, मैं कैसे देखूं? तुम तो चार तरफ देख रहे हो ना यार। मेरा नाम अक्षित कत्याल है। आई एम दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्यूरेट कंक्रीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ECSPL एंड मापई इंडिया, विच इज अ कंस्ट्रक्शन केमिकल बेस्ड कंपनी। वी आर इन क्लोज कोलैबोरेशन इन इंडिया एंड वी आर दी एक्सपर्ट्स इन टनलिंग एज वेल एज अदर ऑपरेशन जॉब्स अक्रॉस द इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हमारा यहाँ पे काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था, और जितना भी पाइप उसके अंदर जा रही 800 mm डाय की जो पाइप जा रही थी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहां पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका एक हमारे को एक कोफिशिएंट रिड्यूस करना था, ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसे ही फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था, या फिर पावर प्रेशर ज्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं, और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड कराए थे। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है, पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप एनव्यूगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहां पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशन को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेकर आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। NDRF की टीम अंदर जा चुकी है। उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम्प बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहां से लेके आ जाएंगे उनको बाहर।